दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान BSTC का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। रिजल्ट आपको किस प्रकार चेक करना है, ठीक है, और आपका नंबर आने के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो कॉलेज में जमा करवाने हैं, तो इसी से रिलेटेड आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन को देख सकें और रिजल्ट जो है अपना निकाल सकें। रिजल्ट देखने के लिए आपको हमारी वेबसाइट rkla.in पे आपको आना होगा। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, या फिर आप क्रोम ब्राउजर के अंदर आने के बाद जस्ट rkla.in सर्च भी कर सकते हैं। जैसे आप rkla.in सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है। जस्ट आपको नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको PTET की जो आंसर की वो मिल जाएगी। आप उसकी जो PDF है डाउनलोड कर सकते हैं, और BSTC का जो रिजल्ट है आप हमारी इस लिंक से डायरेक्ट आप देख भी सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके रिजल्ट और टाइम टेबल से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जस्ट आपको BSTC एग्ज़ाम रिजल्ट 2020 का टॉप मार्क्स है, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है। जस्ट आपको नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दे रहा है कि आपकी जो BSTC जो एग्ज़ाम है 31 अगस्त को दोपहर 2 बजे से शाम को 5 बजे तक चली थी, और उसका जो रिजल्ट है वो अभी जारी हुआ है नहीं हुआ है वो आपको देखने वाला है कुछ देर बाद में। अगर जारी हो चुका है तो आपको रिजल्ट किस प्रकार चेक करना है, ठीक है, और नीचे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। राजस्थान BSTC रिजल्ट 2020, यहाँ से देखते हैं अपन। जो अक्टूबर की 2nd सप्ताह में राजस्थान BSTC 2020 रिजल्ट जो घोषित करने की योजना बना रहा है, परंतु राजस्थान PDLED रिजल्ट 2020 की यह फिक्स डेट नहीं है। जो अक्टूबर है वो फिक्स डेट नहीं है। रिजल्ट जो आपका कब जारी होने वाला है वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। जबकि राजस्थान प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हाल ही में राजस्थान BSTC परीक्षा 31 अगस्त 2020 को दोपहर 2 बजे से शाम को 5 बजे तक सफलतापूर्वक आयोजित की थी, ठीक है। और नीचे भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ कि आपकी कट ऑफ देख भी सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। अब आपको जो उम्मीदवारों को राजस्थान BSTC काउंसलिंग 2020 के समय निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ काउंसलिंग प्रक्रिया में उपस्थित होना होगा। आपको एक तो BSTC परिणाम कॉपी, यानी कि आपको जो BSTC का जो रिजल्ट आया उसकी मार्कशीट चाहिएगी आपको, ठीक है। काउंसलिंग कॉल लेटर चाहिएगा आपको, प्रवेश पत्र BSTC का। अगर आपने प्रवेश पत्र है वो तो आप ठीक है, अगर आपने प्रवेश पत्र अपना गुमा दिया है, फिर आपका प्रवेश पत्र फट चुका है तो अपना प्रवेश पत्र दोबारा निकाल भी सकते हैं, ठीक है। और 10th और 12th की कक्षा की मार्कशीट चाहिएगी, चरित्र प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ID, आधार कार्ड की हो, कुछ भी हो, जो भी आपके पास ID हो, ठीक है। उम्मीदवार की पासपोर्ट फोटो और उपरोक्त दस्तावेज की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ये जितने भी दस्तावेज हैं इनकी फोटोकॉपी और उन पर आपके हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है। अब बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपको कब तक जारी होने वाला है, तो रिजल्ट आपको मैं दिखा देता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाके। ये देखिए आप, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट ये आपको दे भी रखी है। जस्ट आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं रिजल्ट से रिलेटेड क्या न्यूज़ निकल के आ रही है। ये आपकी BSTC की जो है ऑफिशियल वेबसाइट खुलने वाली है, तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट वो खुल चुकी है। जस्ट आपको नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक एडिंग मिलेगी अपने को, इसके अंदर अपने को क्या दे रखा है अपन देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर PDLED एग्जामिनेशन 2020 विल बी अवेलेबल सून, ठीक है। इसमें रिजल्ट को लेकर कोई इन्होंने चर्चा नहीं की है। नीचे भी देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको रिजल्ट से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं मिलने वाली है। और नीचे अपन यहाँ पे देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे भी आपको रिजल्ट से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं मिलेगी। जस्ट आपको नीचे आना है। जैसे और भी नीचे आएंगे तो ये देखिए रिजल्ट से रिलेटेड अपने को कोई भी फ़िलहाल अभी न्यूज़ नहीं मिल रही है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ वायरल की जा रही है उसके अंदर बताया जा रहा है कि आपका जो रिजल्ट है 25 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा। 24 सितंबर या 25 सितंबर को आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जस्ट 20 से 25 दिन बाद में रिजल्ट जारी किया जाता है। तो 31 अगस्त को आपकी एग्ज़ाम थी तो उसका जो रिजल्ट है 25 या 26 अगस्त को जारी हो सकता है। और रिजल्ट को लेकर अभी तो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल के नहीं आया है, फिर भी उन्होंने बताया कि आपका जो BSTC का जो रिजल्ट है हम अनुमान लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी न्यूज़ वायरल की जा रही है, तो उसके आधार पर अपन अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो 25 या 26 सितंबर के बीच में जारी हो सकता है। रिजल्ट को लेकर अगर कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ निकल के आती है तो हम आपके सामने इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेके आएंगे और आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताएंगे। और
आज के लिए इतना ही था। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।